हेलो एवरीवन। तो गर्मी का सीजन शुरू हो गया है और उसके साथ साथ बाजार में कच्चे आम मिलना भी शुरू हो गया है। तो आज हम इन कच्चे आमों के साथ एक खट्टी मीठी रेसिपी बनाने वाले हैं। बाजार में दो प्रकार के आम मिलते हैं, ये और ये। अब ये वाला जो कच्चा आम होता है इसे कहते हैं तोतापुरी कैरी और ये थोड़ी मीठी होती है, और ये जो है इसे कहते हैं सिंपल या सादी कैरी, ये थोड़ी खट्टी होती है। तो हमारी इस रेसिपी के लिए ये वाली जो कैरी है वो परफेक्ट है। तो हम बनाने जा रहे हैं एक महाराष्ट्रियन डिश जिसे कहते हैं कैरीचा तक्कू। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले रॉ मैंगोज़ को धो लीजिए और फिर 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखिए। 20-25 मिनट बाद इन्हें पानी से निकालिए और एक सूखे कपड़े से इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। अब इनकी कड़े काटिए और इन्हें छील लीजिए। अब ग्रेटर के मोटे वाले होल्स की तरफ से इन्हें ग्रेट कर लीजिए। कैरी ग्रेट करने के बाद जो गुठली रह जाती है उसे हमें डिस्कार्ड करना है। तो अब हमारे पास ग्रेटेड कैरी रेडी है और जैसे कि आप देख सकते हैं उसके जो लच्छे हैं वो थोड़े मोटे हैं। अब सबसे पहले इसमें हमें नमक डालना है, फिर मेथी दाना को आपको थोड़ी देर भूनना है और उसकी पाउडर बनाकर इसमें डालनी है। उसके बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और 1 कप गुड़ डालना है। अब गुड़ की जो मात्रा है वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपकी रॉ मैंगोज थोड़े ज्यादा खट्टे हैं तो आपको 1 कप से थोड़ा ज्यादा गुड़ लग सकता है। अब इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। 10-15 मिनट में इस मिश्रण को पानी छूटेगा। अब एक छोटी सी कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए। मैंने यहाँ पर करीब करीब 5 टेबलस्पून तेल लिया हुआ है। जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें राई डालिए। अब इस राई को अच्छी तरीके से तड़कने दीजिए। अब इसमें हल्दी पाउडर डालिए और तुरंत गैस को बंद कर दीजिए। ध्यान रहे कि हल्दी पाउडर जल्दी नहीं चाहिए। तेल थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे कैरी के मिश्रण पर डालिए। बस हो गया हमारा तक्कू तैयार। अब इसे कांच या स्टील के बर्नी में भरकर इसे फ्रिज में रख दीजिए। इस तक्कू को आप फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हैं। इस तक्कू की डिटेल्ड रेसिपी मेरे ब्लॉग पर है। ब्लॉग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस लिंक को क्लिक कीजिए, मेरे ब्लॉग पे जाइए और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए।